कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। गुड़गांव, यहां हजारों लोग भारत के कई शहरों से आंखों में अनेक सपने लिए अपने घर परिवार से दूर कामयाबी की खोज में आते हैं। इसी भीड़ में कुछ होते हैं जो शहर पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, इसकी ऊंची इमारतों से ऊंचे सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखने वाले ऐसे ही एक शख्स हैं, राजीव अहलावत। मैं 2010 में गुड़गांव आया और उस टाइम मैंने 12th ही की हुई थी और कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास नर्सिंग का था। मेरी जो पहली सैलरी थी, जो फर्स्ट सैलरी, वो मेरी जो नर्सिंग उसमें थी 3500 थी मेरी। तो काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया मेरे को भाई, आप एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन करो आप। फिर 2011 में मैंने एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब रखी। फिर मैंने एक चावला चिकन एक ब्रांड था, उसमें मैंने एज ए कॉलिंग टेलीकॉलिंग का काम किया। तो मेरे जो बॉस थे या उन्होंने मेरे को सजेशन किया भाई, उस टाइम काम ज़्यादा था और राइडर कम थे, तो उन्होंने मेरे को बाइक की चाबी थमा दी। तो मैंने 8 to 9 months मैंने वो काम किया। और 2012 में मैंने बेसिकली फिर आपका मेरे को सजेशन की भाई आप प्रॉपर्टी का काम करो। हमें 2-3 months ही हुए थे काम करते हुए, बट हमारी को डील हुई नहीं थी, क्यों हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था, कुछ नहीं था, मैं साइकिल पर कॉलेज जाता था। तो हमने 2-3 months हमने ट्राई किया बट हम कामयाब नहीं हुए, तो हमने वो ड्रॉप कर दिया। फिर मेरे को सजेशन दी कि भाई मेरे कोई एसआर के ही है और मेरे विलेज के ही हैं, बट वो काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी लाइन में और अच्छा काम किया उन्होंने, और रिद्धि एसोसिएट के उनका नाम था, तो उनके मैं पास गया। तो 2-3 months मैंने वहाँ पर भी ट्राई किया और बट 2-3 months मेरी डील नहीं हुई। तो मैं भी एक ड्रॉप करने वाला ही था, और लास्ट मेरी एक ऐसे डॉक्टर साहब मिले मेरे को, उनका इमीडिएटली घर चाहिए था, और मेरी क्विकली डील हुई, क्विकली उन्होंने शिफ्टिंग करी, क्विकली मेरे को उनको उन्होंने मेरे को ब्रोकरेज दी, और वो फर्स्ट ब्रोकरेज थी मेरी, जो इंसेंटिव था मेरा, जो मेरे को 16,000 मिला मेरे को। मैं डैक बस स्टैंड पे गया और मैंने वहाँ सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, तो 12,000 की मैंने बाइक खरीदी और 4,000 मैंने अपने सेविंग के लिए, एटलीस्ट बैकअप के लिए, पेट्रोल उसके लिए। तो मैंने पहले महीने के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस में काम किया, और फर्स्ट मंथ में जो रेंटल डील के लिए 31 ट्रांजेक्शन करी 1 month के अंदर में। तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, आप अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम वर्क चाहिए। तो हमने 1-2-3 और भर्ती स्टार्ट किए, फिर 5-7 लोग हो गए। तो फिर मैंने एनालाइज किया कि हाँ, ये ऑफिस छोटा पड़ गया। फिर मैंने नवदीप सरदाना जी से मैं मिला, फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ में। उन्हें जो भी बात करी वो हमेशा ट्रांसपेरेंट बात करी। तो उसके बाद मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया, मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, हम 10-15 लोगों की टीम के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। 2017 to 18 में मैं दोबारा नवदीप से मिला, और उन्होंने बोला कि राजीव यहाँ पहुँच गया, मतलब हमने रेंटल पर ठीक अच्छी पकड़ बना ली थी और अब थोड़ा अपग्रेड कर ले। तो मैं भैया मेरे से छूट नहीं सकता ये काम, तो बोला कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, ट्राई करोगे तो कुछ बेस्ट हो जाएगा। तो मैं ठीक है भैया। तो उन्होंने एक पॉइंट था ना, जो कि एक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए था, वो डायरेक्शन ही दिखाते हैं और राइट टाइम पे कहीं ना कहीं चीज़ करते हैं कि राजीव अब ये स्लो करो, इसको बढ़ा। ये भी चीज़ जो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, अपने टीम वर्क में भी अप्लाई करता हूँ, कि किसी चीज़ के मेरे टीम मेंबर हो या उसको लाइक किसी चीज़ की भी हेल्प हो, लाइक कोई भी लगता है यार ये इसके पास आज ये चीज़ नहीं है, मैं वो चीज़ प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर यार मेरे पास बाइक नहीं है, मैं ले भी नहीं सकता, तो मैं वो कोशिश करता हूँ उसको बाइक, उन्हें लगता है उसके अंदर ये स्किल है, वो कर सकता है। I know Rajiv Ahlawat from last 7-8 years. I have seen his entire journey in real estate, and I must say he is an inspiration to all of us. The kind of success he has tasted so far would have not been possible without his hard work and dedication. He has innovative ideas whenever he comes to meet you, and he always brings that kind of ideas which will help you to increase the sales velocity. Rajiv Ahlawat Grow Property Management, they have been top performing channel partner for us in last 1 year. तो मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूँ भाई, सपने लो, उसको साकार करो, उसको पूरा करो। आप ऐसा नहीं कि आप बैठ बैठ के सपने ले रहे, नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आज ये किया है तो कल नहीं, क्या बेस्ट करना, उससे बेस्ट क्या करना, उससे बेस्ट क्या करना, आज क्या गलती है, गलती हुई है तो उसको इम्प्रूव कैसे होगा, और तब भी वो सपने पूरे होते हैं।
आज मेरे पास सब कुछ है, आज अच्छी फैमिली, अच्छा फ्लैट, अच्छी गाड़ी, अच्छा उसमें मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं कहता हूँ सपने लेना ज़रूरी नहीं, उसको अपग्रेड करना ज़रूरी है, उसको मेहनत करना ज़रूरी है और टाइम टू टाइम चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूँ भाई, सपने लो, उसको साकार करो, उसको पूरा करो आप।